इस दुनिया में हर आदमी अपनी अपनी तरह से दुखी है। किसी को एक दुख है, किसी को दूसरा दुख। सर, मगर आपको ऐसा क्या दुख है सर? मेरी बीवी बीमार है, ना उठ सकती है ना बैठ सकती है। हजारों इलाज करवाए, इलाज करवाते करवाते मैं खुद ही डॉक्टर हो गया। सर, आप दुखी मत होइए, लिए कोई भी काम हो तो जरूर बताइएगा। बस थोड़ी सी हंसी दे देना, जिंदा रहने के लिए काफी होता है। सब मर्द ऐसे होते हैं, झूठ कहकर सेक्रेटरी को फंसाते हैं, ये भी ऐसे ही होंगे। अच्छा, ये ट्रेनिंग चल रही है, फिल्में देख देख कर खूब पति को गालियां दो। आ गए आप? हाँ। गाली नहीं दे रही हूँ, सच कह रही हूँ। मैं जब आपके ऑफिस में फोन करती हूँ, आपकी सेक्रेटरी ही फोन उठाती है। वो मेरी सेक्रेटरी नहीं है, मैं खुद वहाँ का कैशियर हूँ। सेक्रेटरी होती तो फंसा लेते। क्या फंसा लेता, खुद फंसा हुआ हूँ। मिस्टर खुराना सही कहते हैं, आदमियों को जगह जगह की थाली में खाने की आदत होती है, उनकी डोर अपने हाथ में ही रखनी चाहिए। ये मकान बेचना ही पड़ेगा, ये खुराना ने जिंदगी जो है नरक बना दी है। देखो तुम ये पड़ोसी पड़ोसी की बातों में आकर हमसे झगड़ा मत किया करो प्लीज। सच कह रही हूँ, इसलिए कड़वा लग रहा है और इसलिए मेरा टीवी भी ऑफ कर दिया है। दो मेरा रिमोट वापस दो। दिन भर टीवी देखने के अलावा क्या करती हो? खबरदार इस टीवी के बारे में कुछ कहा तो, ये मेरे पिताजी ने दिया है। पिताजी? मेरे पिताजी? तुम्हारे पिताजी की दी हुई सब चीजें बेकार है। क्या मैं भी बेकार हूँ? हाँ, और वो तो एहसान मानो मेरे जैसा इंसान शादी करने के लिए तैयार हो गया। रहने दो रहने दो, एक से बढ़कर एक रिश्ता मिल रहा था मुझे। तकदीर वाले थे साले, सब बच गए। अच्छा ये सब बातें छोड़ो, मेरा रिमोट वापस करो। काश कोई ऐसा रिमोट बनता जिससे चैनल के बदले दीवियां बदली जाती। तो क्या करते? तो रोज एक चैनल बदलता, और जिस चैनल को एक बार देख लेता दोबारा उसकी तरफ मुड़के नहीं देखता, पहचानता ही नहीं। मुझे तो शुरू से ही पता था वैसे ही हो। हाँ, राइट, मैं ऐसा ही हूँ और मैं ऐसा ही रहूंगा। मैं ऐसा ही हूँ। खाना गर्म करो, भूख लगी है। नहीं करूंगी, जाकर अपनी बैंक वाली के यहाँ जाओ और खाना खाओ, और ये जोकर गिरी भी वहीं जाके करना। हाँ खा लूंगा, अब तो मैं उसी के पास खाऊंगा। तो जाओ ना, देखती हूँ कितने दिन खाना खिलाती है, एक दिन वापस मेरे पास ही आना होगा। मैं पागल हूँ जो नरक में वापस आऊंगा? ये नरक नहीं है, पत्नियाँ घर को स्वर्ग बनाती हैं और पति को स्वर्गवासी बना देती है। बात करती ऐसे घर में घुसो लाइफ। ये चाबी कहाँ लेकर जा रहे हो? ये कार भी मेरे पिताजी ने दी थी। लो, बेकार है तुम्हारी तरह, कुछ दिनों बाद कबाड़ियों को भेज देना इसको फोकट में। इतने ही खुददार हो तो ये कपड़े भी उतार कर जाओ। मैं साधु नहीं बनने जा रहा हूँ, जो कपड़े उतार दूं सड़क बनेगा घूमूं। ये शर्ट पिछली दिवाली पर मेरे पिताजी ने दी थी, उतारो। अच्छा साला, आज समझ में आया दहेज लेना कितना जुर्म है, वक्त आने पर पति को नंगा भी होना पड़ता है। ये लो अपने पिताजी को पहनाओ। पिताजी? पिताजी ने नरक बना दिया। ये तो तुम्हारे पिताजी का दिया हुआ नहीं है ना, हैं? अब तुम रहना अपने पिताजी के दिए हुए दहेज के सामानों के साथ, और कार से बोलना मांग भर दे, और टीवी से बोलना बच्चे पैदा कर दे। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ठहरो, माफ नहीं करूंगा, सॉरी बोरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सॉरी बोल भी नहीं रही हूँ, मेरा रिमोट देते जाओ। हाँ ये रखो, जा रहा हूँ मैं। हाँ हाँ जाओ, तुम्हें तो बहाना चाहिए था, कोटा से लाकर पटक दिया यहाँ पे, पूरा दिन टीवी देख कर दिल बहलाना पड़ता है। आपसे तो अच्छा मेरा ये Hyundai का टीवी है। ना ऑफिस में ठिकाना ना घर में। ए संतोष, दुपहर हो गया। ए रुको, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? झक मारने। अकेले? हाँ, अब आप आ गए ना। नहीं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, आई हैव टू मीट माय मदर इन लॉ। संतोष, सुबह शांति के साथ झगड़ा हुआ था, कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ कि नहीं? अब आप जले पे नमक मत छिड़किए, एक तो मेरी शादी करवा दी, ऊपर से उसको भड़काते रहते हो। अरे इधर तो उधर ही जा रहा हूँ। अरे संतोष, अब खिचड़ी को ज्यादा पक गई है। खिचड़ी पक नहीं गई, जल गई है खुराना साहब। आप मुझे मेरी मम्मी के घर छोड़ दीजिए, फिर जाके शांति को समझाइए। मैं? हाँ। अरे मुझे क्या? अच्छा प्लीज आ जाओ, चलो चलो। क्या तारीफ कर रहे थे, शांति गाय है, गाय। खुला सांड था मैं, बैल बनकर घूम रहा हूँ साला। क्या हुआ भाई? हाँ कुछ प्रॉब्लम है क्या? क्या लड्डू बट रहा है, काम करो अपना। अरे चिल्ला लगाए को यार, बड़ी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे संतोष तुम्हारे लिए हीरोइन ढूंढिए, हीरोइन। बिल्कुल हीरोइन है। हमारा संतोष भी कुछ कम नहीं है, ये जबान नहीं चलाता, सिर्फ हाथ चलाता है। ये क्या बोल रहे हैं आप, मैं कब हाथ चलाता हूँ? अरे बैंक में कैशियर हो, सिर्फ हाथ ही तो चलाते हो। पिछले
पिछले 6 साल से हमारी पड़ोस में रहता है। बहुत शरीफ लड़का है। आजकल ऐसे लड़के मिलते कहाँ हैं? दरअसल हमारे संतोष को पीने की और खाने की बहुत आदत है। क्या आदत है, क्या बोल रहे हो आप? आप शादी करवाने आए हो या बर्बादी करवाने आए? अरे भाई मैं कह रहा हूँ कि तुम खाते पीते आदमी हो, गलत बोल रहा हूँ क्या? खाता पीता तो हूँ। अरे खुराना साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे आप मानो ना मानो, खाने पीने का शौक तुम्हारी बेटी को भी बहुत है। तो फिर ये जोड़ी बिल्कुल फिट है, हमें ये रिश्ता मंजूर है, क्यों खुराना साहब? हाँ जी हाँ जी। क्या हाँ जी हाँ जी? लड़की तो मैंने देखी नहीं अभी। अरे मिसेस खुराना ने देख ली ना शक्ल, उनकी चॉइस क्या गलत होगी? क्या बात है? लड़की की शक्ल तो दिखी नहीं, लड़की देखने आए हैं ना? अरे संतोष, गांव में लड़की की शक्ल नहीं दिखाते, तस्वीर दिखाते हैं, तस्वीर समझा कर। अरे तो तस्वीर भेज देते, मुझे क्यों बुलाया था? अरे लोग तारे को देखना चाहते थे, तारे को। मैं कोई अंधा लूला बहरा हूँ जो मुझे देखना चाहते थे? और लड़की में कोई गड़बड़ हुई तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैं आपसे शादी करूंगा? मैं शादीशुदा हूँ, वो बैठी मेरी बीवी, वो जानता हूँ। मैंने बोला ना ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे मानो ना मानो खुराना साहब, हमारी बेटी इतनी समझदार है कि थाम लोगों ने कोई शिकायत का मौका ही नहीं देती। अरे ये तो बेचारी गाय है, गाय। आवाज तो सही है। फिर शादी पक्की? बिल्कुल पक्की। मुबारक हो। बोल पाती है कि नहीं? अरे ठीक है लो बेटा, मुंह बिठा दो, मुंह खोल। अरे ऐसा लड्डू खाया, मुंह हमेशा हमेशा के लिए कड़वा। सब किया धरा मिस्टर खुराना, बुढ़ा बुढ़ी प्यार को देख के मैं जवान आदमी कहाँ से फंस गया? ये ऊपर वाले तूने पति पत्नी का रिश्ता बनाया ही क्यों है? इस हेड ऑफ डिपार्टमेंट को ही फोन करता हूँ इसकी। हेलो कौन? ये तो मैं भूल गया हूँ मैं कौन हूँ। शादी से पहले मेरे माँ बाप ने मेरा नाम संतोष रखा था, ऐसा मुझे याद है। अरे दामाद जी थम हो, आपकी बड़ी लंबी उम्र है। अच्छा 200 साल तक जिएंगे आप? अरे अरे हम लोग अभी 10-20 साल पेट नहीं भरा तुम्हारा, जो 200 साल तक टॉर्चर करवाओगे? अरे क्या बात कर रहे थे, आपकी एक ही बेटी थी ना? अरे दामाद जी, हम बड़े किस्मत वाले हैं कि थारे जैसा दामाद हमें मिला। लो अपनी सासू माँ से बात करो। दामाद जी, मारी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि हर जन्म में हमारी शादी के संतोष तक। अरे आप सुनिए तो माँ जी, आप सुनिए तो। अरे दामाद जी, थम जैसा दामाद हमें मिल गया ना, मानो मारे सर का तो सारो बोझ ही हल्को हो गयो। हाँ हाँ, वो बोझ मेरे कंधे पर जो आ गया ना। सो तो है। दामाद जी आप खुश तो हो ना? बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। थोड़ा डर लगता है कि कहीं खुशी के मारे पागल ना हो जाऊं। दामाद जी, अगर ऐसा हो गया तो मारी बेटी शांति का क्या होगा? शांति की चिंता है आपको? सब भाड़ में जाओ।